अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस आजकल फिर से बहुत ज्यादा फैल गया हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया में और भी बहुत सारे ममालिक के अंदर, और बहुत सारे लोगों को वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे खदशात हैं, बहुत ज्यादा इनकी मिसकंसेप्शन है। खासतौर पे वो लोग जो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो उनके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कम हो जाएंगे। वो खवातीन जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। उसके अलावा वो खवातीन जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, जो कंसीव करना चाहती हैं, उनको भी नहीं मालूम कि उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। औरतों के अंदर बांझपन पैदा कर देगा, मर्दों के अंदर बांझपन पैदा कर देगा, उनके स्पर्म काउंट को इफेक्ट करेगा। तो आज के इस वीडियो में आपके जितने भी सवालात हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस का जो वैक्सीन के हवाले से है उनका मैं आंसर दूंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि वैक्सीनेशन को लेकर जितनी भी वैक्सीन बनी है, ठीक है, उनके ट्रायल्स नहीं हो सकते हैं उन औरतों के अंदर जो प्रेग्नेंट है या वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव ग्रुप होता है जिनको हर ट्रायल से, हर क्लिनिकल ट्रायल से निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्यू एंड ए की तरफ, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, प्रॉपरली आंसर हो जाए। सबसे पहला तो क्वेश्चन आ जाता है, क्या औरतों के अंदर ये बांझपन करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च के मुताबिक ये वैक्सीन औरतों के अंदर बांझपन नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा, हमारे पीरियड्स को अफेक्ट करेगा? कुछ खवातीन ने बहुत कम, जो 0.01% होती है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि उनके पीरियड्स जो थे वो मिस हो गए थे या उनके पीरियड्स जो थे वैक्सीन करवाने के बाद हैवी हो गए थे। ठीक है, ये जो मिस पीरियड्स हो सकते हैं या जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, ये टेम्परेरी होता है, ये बाद में ठीक हो जाता है। ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, डाइट की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे और भी इसमें फैक्टर्स जो होते हैं वो शुमार होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमने वैक्सीन करवाई थी उसके बाद ही हमें पीरियड्स की इरेगुलरिटीज हो गई। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम कंसीव करना चाहते हैं, तो क्या हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल करवानी चाहिए, इसलिए क्योंकि जितनी भी स्टडीज हैं, जितना भी डेटा अभी तक एक्यूमुलेट हुआ है, उसमें वो खवातीन जिन्होंने वैक्सीन करवाई थी वो बाद में जाके प्रेग्नेंट हो गई थी, तो कंसेप्शन में ये प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता है। दूसरा ये कि वायरस जो आपके अंदर डाला जाता है, ये लाइव वायरस नहीं होता है, जिंदा वायरस नहीं होता है, ये कोरोना वायरस नहीं होता है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोटीन ये लोग आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं जो आपके अंदर डाली जाती है, जैसे आपको फ्लू का इंजेक्शन लगता है, फ्लू की वैक्सीन लगती है, उस तरह का ये है कि सेफ होती है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये फाइजर की भी वैक्सीन है क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन है, उसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की एमआरएनए वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन जो होती है वो भी सेफ होती है। जो साइनोफार्म की वैक्सीन है, जो चाइना की वैक्सीन है, उसके हवाले से भी काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये सेफ नहीं है। अभी फिलहाल इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेटा मौजूद नहीं है, तो अगर आपकी कंट्री में फाइजर मिल रही है, मॉडर्ना मिल रही है, तो बेटर है कि आप उसकी तरफ जाए रादर देन कि आप जो है साइनोफार्म की जो है वैक्सीनेशन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैंने जो है वैक्सीन करवानी है, तो क्या मुझे करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? अगर तो आपका वैक्सीन का पहला डोज आपकी प्रेगनेंसी से पहले हो गया था और अब आपने 3 हफ्तों के बाद या 4 हफ्तों के बाद अपना दूसरा डोज लेना है, तो आपने डेफिनेटली अपना दूसरा डोज नहीं मिस करना, जरूर लें अपना दूसरा डोज। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने पहला डोज भी नहीं लिया है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, मैं हामिल हो गई हूं, क्या मुझे वैक्सीन करवानी चाहिए? अपने डॉक्टर से जरूर इस मामले में बात करें। आपने ये भी देखना है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहां पे कोरोना कितना ज्यादा फैला हुआ है, कितने चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जब हम प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो 10 से 16% लोगों के अंदर जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है ना वैक्सीन का, वो होता है बुखार का चढ़ना। इस बुखार की वजह से जो है ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसका तोड़ करने के लिए आप जो है ओवर द काउंटर आपको पेन रिलीफ की मेडिसिन मिलती है, आप पैनाडोल सेफली ले सकते हैं प्रेगनेंसी में, टाइलिनॉल ले सकते हैं सेफली प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं वैक्सीन करवा चुकी हूं, तो क्या अब मुझे आगे जाके कॉम्प्लिकेशन आएंगी, मेरी बेबी की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी, या मेरा एबॉर्शन हो जाएगा, या मेरा मिसकैरेज हो जाएगा, मुझे अभी सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं मेरी प्रेगनेंसी को, तो क्या मेरा बच्चा जो है वो जाया हो जाएगा, या मेरे बच्चे की हार्ट बीट रुक जाएगी, या उसके अंदर एबनॉर्मैलिटीज जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होता है वैक्सीन करवाने के बाद, जितना भी डेटा अभी तक मौजूद है ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है प्रेगनेंसी के अंदर वैक्सीन करवाने के बाद। ठीक है,
इसके इतने ही चांसेस हैं इन कॉम्प्लिकेशंस के जितने एक नॉर्मल अडल्ट वुमन के अंदर होंगे जो वैक्सीन नहीं भी करवा रही है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, अगर आपको कोविड हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये ज्यादा हार्मफुल है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं वैक्सीन लगवाती हूँ तो क्या ये प्लेसेंटा, जो एक नाली होती है, जो एक ट्यूब होती है, जो मदर से खुराक जो है वो बच्चे को लेकर जा रही होती है, क्या ये उसके थ्रू वैक्सीन जो है, ये वायरस जो है, क्या मेरे बच्चे के अंदर चला जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये प्लेसेंटा के थ्रू जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही ये वायरस जो एमआरएनए की वैक्सीन है, प्रोटीन आपके अंदर डाली जाती है, ये उसी वक्त डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब कि डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, ये घुल जाती है आपके खून के अंदर। तो ये बेसिकली आपके बच्चे के अंदर नहीं जाएगी। और अगर ये वैक्सीन जो है, अगर ये जो प्रोटीन है, अगर ये बच्चे के अंदर चली भी जाती है, तो बच्चे का जो पेट होता है उसके अंदर इतना एसिडिक मीडियम होता है, इतनी ज्यादा एसिड होती है कि ये वैसे ही सरवाइव नहीं कर सकेगी प्रोटीन वहां पे। अब क्वेश्चन आ जाता है उन खवातीन के हवाले से जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम अपने बच्चे को अपना दूध पिला रहे हैं तो क्या ये जो वैक्सीन हमने लगवाई है इसके थ्रू जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनी है, क्या वो हमारे बच्चे के अंदर चली जाएंगी? क्या हमारे बच्चे को वो प्रोटेक्ट करेंगी कोरोना वायरस से, कोविड से? ठीक है, देखिए जी, एंटीबॉडीज जो औरत के अंदर बन जाती है वैक्सीन लगवाने के बाद, ये आपके दूध के थ्रू आपके बच्चे के अंदर जा सकती है, ठीक है, और उसको कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन 100% जो है कोविड से उसको फाइट करने की एंटीबॉडीज नहीं बनाती। अब क्वेश्चन आ जाते हैं उन लोगों के हवाले से जो आईवीएफ करवा रहे हैं, आईयूआई करवा रहे हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्या हमें वैक्सीन करवानी चाहिए? जी हाँ, अगर तो आप इंडिया और पाकिस्तान में हैं इस टाइम पे, तो डेफिनेटली आपको वैक्सीन करवानी चाहिए। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें हमल के दौरान किस महीने में जाके वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड में, थर्ड में, कब हमें जो है अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए? कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जितनी जल्दी आप करवा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है और आपके बेबी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मर्दाना बांझपन के हवाले से, क्या ये वैक्सीन जो है मर्दाना बांझपन करती है, क्या ये हमारे स्पर्म काउंट को कम कर देगी? वैक्सीन लगवाने का साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है आपका बुखार। अब आपको नॉर्मल भी बुखार अगर चढ़ेगा, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हुई है और आपको बुखार चढ़ गया है, या अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और आपको बुखार चढ़ गया है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट वैक्सीन, तो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो नेचुरली थोड़ी सी कम हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये एक रिएक्शन होता है बॉडी को। आपको किसी भी वजह से अगर बुखार चढ़ता है तो आपके अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। मर्दाना बांझपन ये नहीं बनाता है, ये नहीं करता है, यही स्पर्म प्रोडक्शन जो है दो महीनों के बाद, ये टेम्परेरी होती है, तो दो महीनों के बाद ये दोबारा ठीक हो जाती है। अब आ जाता है क्वेश्चन कि वो खवातीन जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जो मेनोपॉज हिट कर चुकी हैं, उसके अलावा जिनको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, जिनकी एक ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, जिनको ओवेरियन इनसफिशियंसी है, जिनके अंडे प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, वो मर्द हजरात जिनके स्पर्म की एबनॉर्मैलिटीज हैं, ठीक है, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सेफली ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन मुझसे किया था कि यूके के अंदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को और जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको वैक्सीन नहीं लग रही है, और यूएसए के अंदर वैक्सीन उन्होंने अलाउ कर दी है, यूएई के अंदर भी उन्होंने वैक्सीन जो है वो अलाउ कर दी है। तो ये कंट्री टू कंट्री जो है वेरी करता है, उनकी अपनी मर्जी है कि वो लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं, और उसके अलावा ये आपकी भी मर्जी है कि आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं। लगवाने से पहले प्लीज इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो उसके ज्यादा नुकसान हैं एज कम्पेयर टू वैक्सीन लगवाने के। इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।